नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीपीएससी TRE1 और TRE2 में हजारों फर्जी अभ्यर्थियों को शिक्षक बना दिया गया। काउंसलिंग में सर्टिफिकेट की जांच अच्छे से नहीं की गई और यही कारण है कि फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर बहुत लोग नौकरी में चले गए। इसके अलावे फर्जी आवासीय, फर्जी EWS, फर्जी SC सर्टिफिकेट, फर्जी EBC, फर्जी BC सर्टिफिकेट लगाकर हजारों लोग नौकरी में चले गए और बिहार से बाहर के भी हजारों लोग बिहार में फर्जी डोमिसाइल बनाकर, बिहार का निवासी होने का फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर बिहार में आरक्षण का लाभ ले लिए। कोई SC कैटेगरी में चले गए, तो कोई EBC कैटेगरी, तो कोई BC कैटेगरी का भी आरक्षण का लाभ ले लिए और फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट भी लगाकर हजारों लोग नौकरी में चले गए। जो शरीर से पूरी तरह स्वस्थ है, वैसे लोग भी फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाकर, इसमें बिहार के लोग भी शामिल है और बिहार से बाहर के लोग भी शामिल है, जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर TRE1 TRE2 में नौकरी में चले गए हैं। और अभी एक नई बातें सामने आई है कि एक ही रोल नंबर पे 2-3 अभ्यर्थी की नौकरी लग गई। मतलब एक रोल नंबर जो पास कर गया बीपीएससी की परीक्षा, उसके रोल नंबर पे उसके अलावे 2-3 और लोग ज्वाइनिंग ले लिए। और ये कैसे हो सकता है? ये तो एक घटना सामने आई है। इस तरह का कई घटनाएं होंगी, इस तरह की कई घटनाएं होंगी पूरे बिहार में, जिसकी जांच की जानी चाहिए। एक घटना होने का मतलब ये नहीं कि वो अंतिम घटना है। एक घटना सामने आई है, इसका मतलब है कि इस तरह का जो केस है, इस तरह की जो घटनाएं हैं, वो पूरे बिहार में बहुत हो सकती है। इसलिए पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि आखिर कैसे एक ही रोल नंबर पे 2 या 3 अभ्यर्थी जो है शिक्षक कैसे बन गए और कौन लोग हैं जिन्होंने इनको नियुक्ति पत्र दिया, कौन लोग हैं जिन्होंने इनको नियुक्त किया। उन सभी अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। इसमें जो भी दोषी हो उन सबको सजा मिलनी चाहिए। हम सरकार से मांग कर रहे हैं, शिक्षा विभाग से मांग कर रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं कि लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों और बिहार की आम जनता के हित में, बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के हित में, बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए, आप TRE1 TRE2 में जितने भी चयनित हुए हैं, शिक्षक बने हैं, उन सब की एक बार फिर से सारे सर्टिफिकेट की जांच करवाइए। बायोमेट्रिक जांच होनी चाहिए, दिव्यांग सर्टिफिकेट की जांच होनी चाहिए, आवासीय सर्टिफिकेट की जांच होनी चाहिए, EWS सर्टिफिकेट की जांच होनी चाहिए, SC ST EBC BC सर्टिफिकेट की जांच होनी चाहिए। इसके अलावे जो भी शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक या पात्रता से संबंधित सर्टिफिकेट है, उन सब की जांच होनी चाहिए। और विज्ञापन की शर्तों के अनुसार जिनके पास भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है या फर्जी डॉक्यूमेंट्स है, उन सभी को बाहर किया जाना चाहिए। जल्द ये चीज होना चाहिए। DLED सर्टिफिकेट सही है या नहीं, BEd सर्टिफिकेट सही है या नहीं, CTET पास किया है या नहीं, CTET के सर्टिफिकेट सही है या नहीं, इसी तरह STET पास किया या नहीं, STET का सर्टिफिकेट है या नहीं, इन सभी मामलों की जांच होनी चाहिए। और विज्ञापन की शर्तों के अनुसार जिनके पास भी सर्टिफिकेट नहीं हो या फर्जी डॉक्यूमेंट्स हो, उन सबको बाहर किया जाए और जल्द बाहर किया जाना चाहिए। आखिर ये कैसी बहाली बिहार में चल रही है? शिक्षक भर्ती के नाम पे कौन सा खेल चल रहा है जिसमें सिर्फ फर्जीवाड़ा ही फर्जीवाड़ा सामने आ रही है? ये कैसी बहाली हो रही है? क्या इस तरह से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बिहार में आएगी? ये बिहार के लाखों गरीब बच्चों के साथ, बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कैसे चुप रहा जा सकता है इन मुद्दों पर? जो अभी फर्जी शिक्षक बन रहे हैं, वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? तो क्या बच्चों का भविष्य सुधर सकता है? क्या ये फर्जी शिक्षक बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे? बिल्कुल बच्चों के भविष्य के साथ ये लोग खिलवाड़ करेंगे। इसलिए फर्जीवाड़ा रुकना चाहिए। और हम नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं, शिक्षा विभाग से मांग कर रहे हैं कि TRE1 TRE2 में जितने भी सिलेक्टेड हुए सबके डॉक्यूमेंट्स की फिर से जांच की जाए, चाहे वो दिव्यांग सर्टिफिकेट हो, आवासीय हो, कोई शैक्षणिक प्रशैक्षणिक हो, जाति से संबंधित सर्टिफिकेट हो, NCL हो, EWS हो, यानी कि सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच फिर से और बायोमेट्रिक लिया जाए। और बहुत जिलों से हमारे पास फोन आ रहा है कि बायोमेट्रिक में और अन्य डॉक्यूमेंट्स की जांच में पैसा लेकर मैनेज किया जा रहा है। आखिर सीटेट में जो कम मार्क्स थे, जो फेल थे बिहार से बाहर के लोग, उनको भी नियुक्ति पत्र मिल गया और स्कूल में शिक्षक बन गए, लेकिन अभी भी
कुछ जिलों में हालांकि जांच हुआ और उनको बाहर किया जा रहा है, लेकिन अभी भी बिहार के कई जिलों में, बांका हुआ, इसके अलावा भागलपुर, अन्य जिलों में, कई जिलों में अभी भी जांच नहीं की जा रही है। अभी भी सीटेट में जिनको कम मार्क्स है, जो सीटेट फेल है, उनको बाहर नहीं किया गया है। तो पूरे बिहार में यानी कि हर जिले में जांच की जाए, और जिनके पास भी डॉक्यूमेंट्स की कमी है या फर्जी डॉक्यूमेंट्स है, विज्ञापन की शर्तों के अनुसार डॉक्यूमेंट्स, उन सबको बाहर किया जाए। आखिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर जांच नहीं होती है पूरे बिहार में, अगर टीआरई वन टीआरई टू में चयनित सभी शिक्षकों की डॉक्यूमेंट्स की और जांच नहीं होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच नहीं होती और बायोमेट्रिक फिर से नहीं लिया जाता है, तो पूरे बिहार में एक बड़े आंदोलन की जरूरत है और पूरे बिहार में आंदोलन करना पड़ेगा। नहीं तो इसी तरह बहाली आएगी और फर्जीवाड़ा होते जाएगा। और साथ ही हम नीतीश कुमार जी से और शिक्षा विभाग से मांग करते हैं कि टीआरई थ्री में रिजल्ट से पहले काउंसलिंग करवाइए, टीआरई थ्री में रिजल्ट से पहले काउंसलिंग करवाइए ताकि फर्जीवाड़ा ना हो और एक अभ्यर्थी का एक जगह रिजल्ट, वो सीटें खाली ना रहे। अगर आप एक अभ्यर्थी का दो दो तीन तीन जगह रिजल्ट दे रहे हैं तो ये आपका आपकी आपका दोष है, उसके लिए आप जो भी व्यवस्था हो कीजिए, लेकिन सीटें खाली ना रहे और रिजल्ट से पहले काउंसलिंग होना चाहिए। हम ये बिहार सरकार से और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं, और जो भी फर्जी तरीके से शिक्षक बने सबको बाहर किया जाए, नहीं तो पूरे बिहार में बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा। हम लोग नहीं चाहते आंदोलन करना, लेकिन अगर सरकार मजबूर करेगी तो हम लोग आंदोलन पे उतर जाएंगे, सड़क पे उतर जाएंगे।